जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रियलिटी की आज की इस दुनिया में हम रियलिटी से तो दूर हो गए हैं, लेकिन रियलिटी शोज के बहुत ज्यादा नजदीक हो गए हैं। इतने नजदीक हो गए हैं कि हम अपने घरों में कैद होकर टीवी के सामने बैठकर रियलिटी शोज को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करते हैं। रियलिटी शोज की पॉपुलैरिटी भी ऐसी बढ़ी कि पहले सिर्फ वीकेंड पर आने वाले रियलिटी शोज आज की तारीख में 24 घंटे स्ट्रीम होते हैं। मतलब आपको जब जिसकी जिंदगी में झांक कर देखना हो आप देख सकते हो। वो पड़ोस वाली ताका झांकी आजकल थोड़ी कम हो गई है ना, इसीलिए जो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले बड़े लोग हैं उन्होंने इस बात का सॉल्यूशन निकाला। लोगों को कहा कि भैया हम बताएंगे आपको कैसे झांकना है। तो जिस तरीके से मतलब आप लोग इस बात को समझते ही होंगे कि आज की दौर में चाहे कोई भी फील्ड हो सब यही चाहते हैं कि कुछ नया ट्राई किया जाए, और इस नया ट्राई करने की होड़ में एंटरटेनमेंट का तरीका भी अब काफी हद तक बदल चुका है। टीवी पर अलग अलग तरह के शोज आते रहते हैं और इन्हीं अलग अलग शोज के बीच में इंडस्ट्री में अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई है रियलिटी शोज ने। अब लोग टीवी सीरियल ड्रामा देखने की बजाय रियलिटी शोज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड रियलिटी शोज के एपिसोड ज्यादातर शनिवार और रविवार को ही टेलीकास्ट होते हैं और लोग बेसब्री से वीकेंड का इंतजार भी करते हैं। इन रियलिटी शोज को व्यूअर्स बहुत ज्यादा फॉलो भी करते हैं, इसलिए लोग इन शोज से जुड़ी हुई कई सारी बातों के बारे में जानना भी चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रियलिटी शोज की कुछ रियलिटी के बारे में बात करेंगे और इनसे जुड़ी कुछ सवाल, मतलब बिल्कुल यकीन की बात है कि आपके मन में भी आते ही होंगे, उन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली कभी कभी तो मन में ये बात भी आती है कि क्या ये रियलिटी शो सच में रियल होते भी हैं या फिर सिर्फ टीआरपी का खेल है। टीवी पर जो दिखाया जाता है क्या वो सच में होता भी है? रियलिटी शोज में बैठी ऑडियंस से कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है? इन शोज के सेलिब्रिटी जजेस आखिर कितने पैसे चार्ज करते हैं? एंकर और होस्ट कितने पैसे लेते हैं? रियलिटी शोज का बजट कितना होता है? कंटेस्टेंट सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? ये सब चीजें कहीं ना कहीं जहन में आती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाबों। दरअसल ऐसा है कि सच्चाई तो यह है कि ये रियलिटी शोज सच में एक हद तक हम कह सकते हैं कि रियल होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि शो के मेकर्स को भी पता है ना कि उनको शो चलाना है। तो इसलिए एक पॉइंट के बाद में टीआरपी के हिसाब से चीजों को थोड़ा सा मोल्ड भी किया जाता है। बस कुछ चीजें होती हैं जो कि फिर उसके बाद में सच्चाई के करीब रह जाती है। शुरुआत होती है शूटिंग से। इन शोज की शूटिंग पूरे हफ्ते में सिर्फ एक या दो दिन होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, और उसी एक दो दिन में दोनों एपिसोड शूट किए जाते हैं। अगर हम लोग वीकेंड की बात करें तो एक एपिसोड लंच के पहले यानी फर्स्ट हाफ में शूट किया जाता है और दूसरा एपिसोड लंच के बाद यानी सेकेंड हाफ में शूट किया जाता है। शूटिंग की शिफ्ट 12 घंटे की होती है और इन 12 घंटों में नॉन स्टॉप बैठे रहना पड़ता है जजेस और ऑडियंस दोनों को ही। सिर्फ थोड़ी देर के लिए लंच ब्रेक मिलता है और ज्यादातर शूटिंग का टाइम जो होता है वो सोमवार को होता है, जिसके बाद शुक्रवार तक दोनों एपिसोड्स की एडिटिंग चलती है और उसके बाद ही शनिवार और रविवार को दोनों एपिसोड टेलीकास्ट किए जाते हैं। सोमवार के अलावा हफ्ते के बचे हुए दिनों में कंटेस्टेंट्स अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हैं और यही साइकिल पूरे सीजन बनी रहती है। रियलिटी शोज के ऑडियंस को लेकर भी कई सारे सवाल मन में रहते हैं कि क्या ये नॉर्मल लोग होते हैं या फिर इनको वाकई में पैसे देकर बुलाया जाता है। तो देखिए ऐसा है कि ऑडियंस को हमेशा इनवाइट ही किया जाता है, ये कोई नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, इनका भी अपना एसोसिएशन होता है। ऑडियंस में कई सारे तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कई दसियों सालों से सिर्फ ऑडियंस बन के शो में बैठने का ही काम कर रहे होते हैं। किसी भी रियलिटी शो में लगभग 60-70 लोगों की जरूरत होती है ऑडियंस के रूप में, और इन्हीं भी 12 घंटे तक लगातार एक जैसे बैठे रहना पड़ता है, और इसके लिए इन लोगों को 500 से 1000 रुपए की पेमेंट मिलती है पर एपिसोड। ऑडियंस को मैनेज करने के लिए प्रोडक्शन टीम एक कोऑर्डिनेटर को भी हायर करती है, इन्हें ऑडियंस कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। ऑडियंस में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, इस बात से लेकर कैसे कब कौन रिएक्ट करेगा, कब हंसेगा, कब ताली बजाएगा, कब शोर मचाएगा, ये सब कुछ कोऑर्डिनेटर को मैनेज करने का काम होता है। कोऑर्डिनेटर ही उनको बताता है कि कब किसको कहां पर कैसे रिएक्ट करना है। ऑडियंस को सेट पर खाना पीने से लेकर चाय तक, मतलब एक बेसिक जरूरतें जो होती हैं वो सब दी जाती हैं। ये सब सुनकर आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि वाह यार ये तो बहुत बढ़िया जॉब है, आराम से बैठो, सेलिब्रिटीज को देखो, पैसे छापो, खाना ही ना खाओ और वापस आ जाओ। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि सुनने में जितना आसान लगता है ना ये 12 घंटे बैठना लगातार, ये कोई आसान काम नहीं होता। ये बहुत ही मुश्किल और मानसिक तौर पर थका देने वाला काम होता है, क्योंकि इतनी देर बैठने से आपकी एनर्जी कम होने लगती है और आप उतने एक्टिव नहीं रह जाते। ऐसे में कोऑर्डिनेटर का जॉब होता है कि ऑडियंस जब लुल पड़ने लगे तो उनको दोबारा से एक्टिव करें।
अगर इन शोज के बजट की हम बात करें तो जो रियलिटी शोज नॉन सेलिब्रिटी वाले होते हैं उनका बजट पर एपिसोड 2.5 से 3 करोड़ के आसपास होता है, जिनमें जजेस की फीस, प्रोडक्शन कास्ट, कॉस्ट्यूम और क्रिएटिव डिपार्टमेंट सारे एडिट होते हैं। वहीं सेलिब्रिटी रियलिटी शोज में एक एपिसोड पर लगभग 5 करोड़ रुपए तक खर्च हो जाता है, क्योंकि इन शोज में जो सेलिब्रिटी पार्ट लेते हैं उनको भी पेमेंट करनी होती है। एक हफ्ते में 2 एपिसोड शूट होते हैं, इस तरह 1 महीने में 8 एपिसोड शूट होते हैं और ये पूरा का शो आप ये मान सकते हैं 3 महीने के आसपास चलता है, मतलब कि इसमें करीब करीब 24 एपिसोड शूट होते हैं। इस हिसाब से एक नॉन सेलिब्रिटी शो को बनाने में पूरा 60 से 72 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है। वहीं अगर हम लोग सेलिब्रिटी शो के बनाने की बात करें तो इसमें 120 करोड़ रुपए का मिनिमम खर्चा तो आता ही है। हर एक सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए दरअसल उनकी फीस तय की जाती है और मिनिमम ये फीस भी 5 से 10 लाख रुपए तो जाती है। पर एपिसोड शोज की पेमेंट इन लोगों को भी करी जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें मलाइका अरोड़ा की तो उनको पर एपिसोड 15 लाख रुपए, इसके अलावा माधुरी दीक्षित जी को 35 लाख रुपए, अर्शद वारसी को 15 लाख रुपए, सुनील शेट्टी जी इसके लिए 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। कंगना रनौत की बात करें तो उन्होंने लॉकअप शो को होस्ट करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए पर शो चार्ज किया था, पर एपिसोड चार्ज किया था। रोहित शेट्टी की बात करें तो 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं पर शो। होस्ट भारती सिंह की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज करती हैं। वहीं आदित्य नारायण 4 से 5 लाख रुपए मान जाते हैं। बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन आखिर किस बेसिस पर और कैसे होता है। तो सिलेक्शन के लिए देश के अलग अलग शहरों में ऑडिशंस होते हैं, इनमें तकरीबन 100 लोगों को सिलेक्शन किया जाता है, जिसमें 30 को उसी वक्त हटा दिया जाता है और आखिरी में 70 कंटेस्टेंट्स बच जाते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी टीम कई ऐसे अकेडमी और स्कूल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये अकेडमी वालों को मतलब बता देते हैं कि भैया हमको इस तरह का कंटेस्टेंट चाहिए, इस तरह का उसका कुछ पोर्टफोलियो रहेगा, और अगर अकेडमी के पास में ऐसा कोई इंटरेस्टेड बंदा रहता है जिसकी प्रोफाइल मैच खाती है तो पहले उसकी वीडियोस मंगवाई जाती है, फिर एक मीटिंग होती है और अगर शो के अकॉर्डिंग कंटेस्टेंट समझ में आता है तो उनको भी ऑडिशन के लिए बुला लिया जाता है। एक शहर की ऑडिशन उसी एक दिन में निपटाई जाती है, कंटेस्टेंट्स को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है डेट्स और प्लेस की, और फिर ऑडिशन में जो कंटेस्टेंट्स पसंद आते हैं उनको मुंबई बुला लिया जाता है, जहां पर क्रिएटिव टीम शहरों में घूम घूम कर ऑडिशन करती है। वहीं प्रोडक्शन टीम मुंबई में ही रहकर शोज के सेट तैयार करती है। टाइम शहरों में घूमकर ऑडिशन करने में लगता है, लगभग उतना ही टाइम सेट को तैयार करने में भी लगता है। सो 1.5 से 2 महीने में शो की शूटिंग शुरू हो जाती है। अब इतने बड़े शो को टीवी पर दिखाने के लिए हर एक एंगल में कैमरे लगाने की भी जरूरत पड़ती है, जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 के करीब होती है। 2-3 कैमरा जजेस के आसपास या सेंटर में होते हैं, 2 कैमरा फैमिली मेंबर्स की तरफ होते हैं, 4 कैमरा स्टेज पर लगाए जाते हैं कंटेस्टेंट्स के क्लोज परफॉर्मेंस को कैप्चर करने के लिए, 2 और कैमरा यूज किए जाते हैं। इन भारी भरकम कैमरास को हैंडल करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए प्रोफेशनल्स की टीम को भी हायर किया जाता है। कई बार जब शो में जजेस या किसी सेलिब्रिटी को ट्रिब्यूट दी जाती है तब उसके लिए उनके पर्सनल फैमिली पिक्स या उनके बचपन के ऐसे पिक्स को लिया जाता है जो अभी तक किसी ने देखे ना। ऐसे में अगर सेलिब्रिटीज चाहें तो वो इन पिक्स के लिए चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस एक बार शुरू हो जाती है तो उसमें कोई रीटेक नहीं होता, उनको बिना किसी कट के अपनी परफॉर्मेंस खत्म करनी होती है, चाहे फिर कोई टेक्निकल इशू हो या कंटेस्टेंट्स अपनी स्टेप्स को भूल जाए, उनको कंटिन्यू 203 मिनट के लिए परफॉर्म करना ही होता है। डांस करना या गाना गाने के लिए क्रिएटिव टीम अपनी सॉन्ग्स की लिस्ट देती है कंटेस्टेंट्स को और उन्हें उनमें से ही कोई ना कोई गाना चुनना होता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इन शोज में सॉन्ग सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्रिएटिव टीम ये ध्यान रखती है कि सिलेक्ट किए जाने वाले गाने अच्छे हों जिससे कि ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट कर पाए। अगर गाने बोरिंग या फिर कम फेमस होते हैं तो इससे उनके शो के टीआरपी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। कंटेस्टेंट की कॉस्ट्यूम की बात करें तो उसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है। शूटिंग से एक दिन पहले यानी रविवार को कंटेस्टेंट्स को एक्चुअल कॉस्ट्यूम में परफॉर्म करना होता है। अगर कॉस्ट्यूम से किसी को कोई दिक्कत होती है, शो की थीम से वो सेट नहीं खाती है, लाइटिंग के कारण कोई दिक्कत होती है तो उनको जो ड्रेसेस होती है उनको रातों रात बदल दिया जाता है एक ही दिन पहले। इन कंटेस्टेंट्स के रहने के लिए प्रोडक्शन टीम की तरफ से होटल्स की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा कंटेस्टेंट्स की हर मूल जरूरत को ध्यान रखा जाता है और उसे पूरा भी किया जाता है। फिर चाहे वो खाना हो या कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री हो या फिर मेडिकल फैसिलिटी हो, सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि नॉन सेलिब्रिटी रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स को पैसे नहीं मिलते, बस आखिर में जो भी एक कंटेस्टेंट शो का विनर होता है उसे कुछ विनिंग अमाउंट मिलता है। वैसे आज की तारीख में इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसका फायदा इन कंटेस्टेंट्स को काफी होता है।
टीवी पर पहले ही शोहरत बटोर चुके होते हैं ये लोग, और ये इसीलिए जब सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं तो वहां पर इनका एक फैन बेस ऑलरेडी तैयार होता है। इससे इनको आगे बढ़ने और फेमस होने में ज्यादा मदद मिलती है, जिस वजह से फ्यूचर में भी रियलिटी शोज, ड्रामा, टीवी सीरियल्स इनको अप्रोच करते हैं। तो ये थी रियल से रियलिटी शोज की पूरी कहानी। कैसी लगी है आपको पूरी जानकारी रियलिटी शोज के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसके लिए एक लाइक शेयर तो आप दे ही सकते हैं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।